हेलो वर्गो, वेलकम टू माय चैनल दी टैरोट वाइब। सो आज हम देखने वाले हैं आपके लिए 16 मई से लेकर 31 मई के बीच में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, ओके। एंड यूनिवर्स की क्या गाइडेंस रहेंगी, हम ये सारी चीज़ें इन डिटेल देखेंगे, ओके। सो गाइज, एक जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। सो अपने सिचुएशन में से ज़बरदस्ती फिट ना करें। एंड अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ओके। अगर आपकी सन मून राइजिंग वर्गो है यानी कि कन्या राशि है, सो ये रीडिंग आपके लिए ज़रूर देखिए। इन 15 दिनों में क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में, कि 7 ऑफ वांड, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वांड, 4 ऑफ स्वॉर्ड, के 7 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ कप्स, कोइन ऑफ वांड एंड द डेविल। आई होप सभी को विजिबल है कार्ड्स। सो वर्गो, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लिए जो थर्ड वीक की एनर्जी होने वाली है, ओके, जो मई मंथ की जो थर्ड वीक की एनर्जी होने वाली है उसमें आप बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो, ओके। बहुत ज़्यादा अपने वर्क प्लेस पे, अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी चलते हुए दिखाई दे रही है, ओके। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो और कुछ लोगों के लिए सेपरेशन भी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो। एंड यहाँ पर बिट्रेल फील होते हुए दिखाई दे रहा है आपको। बहुत बुरी तरह से किसी कोई धोखा देने वाला है या फिर किसी ने धोखा दिया है, ओके, आपके साथ किसी ने चीट किया है। सो यहाँ पर जो थर्ड वीक की एनर्जी होने वाली है स्टार्टिंग की और एंडिंग की, गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रही, ओके। किस तरह से आपको किसी ने चीट किया है, बिट्रेल हुआ है, ओके। सो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में किसी ने आपके साथ चीट किया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, ओके। आप बहुत ज़्यादा अपने आप पर ध्यान नहीं देते हुए दिखाई दे रहे हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो अपने काम पर, अपने वर्क प्लेस पे, ओके, अपनी फैमिली में। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो, ओके, एंड आपको किसी ने चीट किया है, ओके। सो थर्ड वीक की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपको किसी तरह का बिट्रेल मिल सकता है, ओके। एंड यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखा जाए, गाइस, सो अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखा जाए, सो आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे अच्छी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, एक बहुत अच्छे पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं, ओके, हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं उनके मन मुताबिक सारे काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो गाइज, यहाँ पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ चीट कर चुके हैं या फिर आपके जो सेपरेशन हुआ है, आपके रिलेशनशिप में जो भी सेपरेशन हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, वहाँ पर आपके पार्टनर खुद चाहते थे ये, ओके। सो यहाँ पर आपके पार्टनर की वजह से ही आपकी इस वक्त ये सिचुएशन है। सो थर्ड वीक की जो आपके पार्टनर की एनर्जी है बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रही है, खुश दिखाई दे रही है, ओके, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं है। एंड कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने लाइफ में सपोर्ट ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बिट्रेल फील हो रहा है या फिर चीट फील हो रहा है, ओके। सो आपकी जो थर्ड वीक की एनर्जी दिखाई दे रही है, गाइज, मे मंथ की, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिखाई दे रही है। और ये सारी सिचुएशन आपके पार्टनर की वजह से हुई है, बिकॉज आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हुई है और वो थर्ड पर्सन की वजह से आपको आपके पार्टनर ने चीट किया है, ओके। सो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी तो अच्छी दिखाई दे रही है, बट उनकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन दिखाई दे रही है, ओके। एंड यहाँ पर आपकी जो फोर्थ वीक की एनर्जी दिखाई दे रही है, गाइस, आप बहुत ज़्यादा अपने आप में गुम हो, किसी तरह का आपको होश नहीं है, ओके, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो आप। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, इतना ज़्यादा उनके ऊपर विश्वास करते थे कि आपको उन्होंने चीट किया है, बिट्रेल किया, आप ये सारी चीज़ें बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, ओके। और आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बिट्रेल किया है, चीट किया है किसी थर्ड पर्सन के लिए, ओके। सो इसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा आपको होश नहीं है, आप कह सकते हो कि बिल्कुल भी आपको ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है कि आपके पार्टनर, जो कि आपके साथ
लॉन्ग टर्म रहने के वादे करते थे आपके साथ, लॉन्ग टर्म रहना चाहते थे आपके साथ, इतना प्यार करते थे, ओके आपके लिए सब कुछ करते थे, वो आपको चीट कर रहे हैं या फिर उन्होंने आपको धोखा दिया है, ओके। सो जिसकी वजह से आप फोर्थ वीक की जो एनर्जी है गाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दे रही, ओके। बट कहीं ना कहीं आप फोर्थ वीक में अपने आप को आगे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपके आप अपने पार्टनर्स आप सॉरी आप अपने फैमिली के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ आप कहीं गेट टुगेदर आप कर सकते हो फोर्थ वीक में, ओके। छोटा मोटा गेट टुगेदर हो सकता है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पर जितने स्ट्रेस में आप हो यहाँ पर आपके फैमिली फ्रेंड्स आपको नहीं देख सकते, जिस वजह से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आप कहीं डिनर पर जा सकते हो, छोटी मोटी पार्टी अटेंड कर सकते हो, ओके। यहाँ पर एक छोटा सा गेट टुगेदर आप दिखाई दे रहा है, बट जो भी हर्ट हुआ है, जो भी आपकी फीलिंग हर्ट हुई है, उसका स्ट्रेस, उसकी जो फीलिंग्स है वो अभी भी आपके अंदर रहते हुए दिखाई दे रही है फोर्थ वीक में भी, ओके। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए देखा जाए गाइज, सो आपके पार्टनर जो फोर्थ वीक में है गाइज, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे, ओके। आपके लाइफ में जो भी उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है गाइज, उनके साथ वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं वो उन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि वो जिस तरह जा रहे हैं, जिस वे में जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत है, बट फिर भी वो इतने ज़्यादा एडिक्टेड है थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, कि वो उनकी तरफ जा रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पर डेविल की एनर्जी दिखाई दे रही है, सो जिस वे में भी जा रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आई है, आपके पार्टनर की लाइफ में आई है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करके जाएगी आपके पार्टनर की लाइफ को, ओके। सो यहाँ पर अभी आगे देखना है आपको कि आपके पार्टनर की भी वही हालत होने वाली है जो आपकी उन्होंने की है, ओके। जितना भी आपको हर्ट किया है आपके पार्टनर ने, ओके, जितना भी आपके साथ चीट किया है, आपको बिट्रेल किया है, ये सारी चीज़ें उन्हें वापस मिलते हुए दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर कह सकते हैं कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग से आपके ऊपर कि आपको किसी ने हर्ट किया है, सो वो भी उतना ही हर्ट होगा, ओके। सो जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है, वो आपके पार्टनर की लाइफ को हेल बनाते हुए दिखाई दे रही है, ओके, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आगे चल के बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाले, ओके। सो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो फोर्थ वीक की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे, ओके। एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके पार्टनर के ऊपर दिखाई दे रहा है। सो हम देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। सो वर्गो के लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है। द आंसर यू नीड आर कमिंग, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। सो गाइज यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको जो भी आंसर चाहिए था, जो भी आप चाहते थे कि आपके साथ जैसा हुआ है, आपके साथ जिसने जैसा किया है उसको उसके साथ वैसा ही हो, सो यहाँ पर यूनिवर्स वैसा कर रहे हैं, ओके। आपको आपके पार्टनर ने चीट किया है, धोखा दिया है किसी थर्ड पर्सन के लिए, सो जो थर्ड पर्सन है गाइज आपके पार्टनर के साथ भी सेम करने वाला है, इनफैक्ट इससे भी बुरा करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। सो यहाँ पर आप कि जो भी आपने जो आप हर्ट हुए हो, जो भी आप पेन सह रहे हो, वो सारा पेन आपके पार्टनर भी सहने वाले हैं, ओके। सो यहाँ पर आप जो भी आप चाहते थे कि आपके साथ भी आपके साथ जिसने जैसा किया है वैसा हो, सो यहाँ पर यूनिवर्स वो सारी चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे, ओके। और यहाँ पर कह सकते हैं कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग से आपके ऊपर, ओके। सो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके, बिकॉज यहाँ पर जो भी आपको हर्ट करेगा उसके साथ वैसा ही होगा, ओके। सो आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन हो, बहुत ब्लेस्ड इंसान हो, ओके, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आपके साथ, ओके। ओके गाइज, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके, क्लेम ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।